के अंदर चिकन तंदूरी है, चिकन सीख कबाब रहता है, दही लहसुनी टिक्का, पहाड़ी टिक्का, रेशमी टिक्का, लॉलीपॉप रेड सॉस एंड रुमाली रोटी। हमारा जो मोहम्मद अली रोड है, ये हिंदुस्तान की एक निशानी है। चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, सारे कम्युनिटी के लोग, रमज़ान उन सबको यूनाइट करता है और मोहम्मद अली रोड बुलाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मोहम्मद अली रोड का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट, दैट इज़ माशा अल्लाह रेस्टोरेंट। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अबे कटिंग होएगी चार पीस में। सो अभी हम देखेंगे कि ये क्या क्या डिशेस है। तो सर प्लीज बताएं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या है। सबसे पहले सारे व्यूअर्स को हम लोग वेलकम करते हैं मोहम्मद अली रोड पे। हम लोग माशाल्लाह क्यूजीन रेस्टोरेंट है हमारा, और हमारे रेस्टोरेंट में नॉर्मली हम लोग 300 आइटम सेल करते हैं, और रमज़ान के मुबारक महीने के लिए हम लोग ने स्पेशल 30 आइटम्स का मेन्यू बनाते हैं, जिसके अंदर जो है ये स्पेशल एक आइटम हमने इस साल स्पेशल रखा है, जिसका नाम है शाही तंदूरी प्लेटर। ये इसमें 8 किस्म की वेराइटी आती है, जिसके अंदर चिकन तंदूरी है, चिकन सीख कबाब रहता है, दही लहसुनी टिक्का, पहाड़ी टिक्का, रेशमी टिक्का, लॉलीपॉप रेड सॉस एंड रुमाली रोटी। ये फैमिली के लिए एक पूरा पैकेज जैसा है शाही तंदूरी प्लेटर। उसके बाद मोहम्मद अली रोड जो फेमस है वो स्पेशल पाया सूप के लिए है। ये हमारे इधर पे बनता है पाया सूप। इसकी ख़ास बात ये है, ये पाए का जूस तो रहता है, उसके साथ जो स्कल रहता है उसका जो है बोटी मार के उसको बनाया जाता है, उसका जूस पूरा एक्सट्रैक्ट रहता है हेड का। तीसरा जो हमारे रेस्टोरेंट का सबसे स्पेशल आइटम है, इसका नाम है चिकन रेशमी बर्रा, जो कि डीप फ्राइड चिकन के ऊपर एक हमारा इन हाउस रेडीमेड सॉस रहता है, बनकर आता है, वो टॉपिंग होके आता है। आपने दिल्ली में बर्रा खाया होगा, वो तंदूरी चिकन के ऊपर क्रीम डाल के आते हैं, लेकिन हमारा जो बर्रा है वो फ्राइड चिकन के ऊपर है, ये उसकी खास बात है। और उसके वैसा टाइप है कुछ। एंड आपको पता रहेगा मोहम्मद अली रोड पे लोग जो खाने को आते हैं वो बकरे का भेजा बहुत डिमांडिंग आइटम है, जो सालों से, पिछले 200 साल से ये बाज़ार लगता है और यहाँ पे बनाया जाता है, तो बकरे का भेजा हमारा स्पेशल है आपके व्यूअर्स के लिए। बहन हमने स्पेशली हमारे शेफ़ को बोला है कि पूरे बकरे के जो भेजा है मोहम्मद अली रोड का जो फेमस आइटम है, उसका आपको पूरा बना के दिखाया जाएगा, उसमें रेसिपी क्या डाली जाती है, कितना डाला जाता है, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आपके चैनल के, वो इसको अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें। वालेकुम सलाम। आज क्या बनाने वाले आप? भेजा, भेजा फ्राई। हाँ, भेजा मसाला है, भेजा फ्राई नहीं। क्या डालेंगे? ये जीरा है। जीरा डालें। ये है कांदा, टमाटर कट, टमाटर कट, बारीक कटा हुआ कांदा। हाँ, ये चॉपिंग कांदा, टमाटर बारीक। हाँ, बारीक काटना पड़ता है। हाँ, जल्दी होने के लिए ये बारीक रहता है, इसके लिए। ओके, हट जा। ये क्या अपना भेजा? भेजा का भेजा? हाँ, बकरे का। हट जा। लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। लहसुन का पेस्ट। ओके, ये मिर्ची पेस्ट। ये मिर्ची का पेस्ट। ये मसाला व्हाइट पेपर, पीसा गरम मसाला, ये गरम मसाला, ये मिर्ची पाउडर, ये धनिया हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, हल्का सा नमक,
ओके धनिया ये कांदा है, टमाटर है, मिर्ची है, अब इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ये मटन आएगा। ये नान है। कटिंग होएगी चार पीस में। ये आएगा प्लेट में। तो भाई ये यूनाइटेड बाय रमजान जो लिखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है इसका? माशाल्लाह, इसके पीछे जो हमारा मकसद है बोलने का, वो ये है कि रमजान जो महीना है ये लोगों को यूनाइट कर देता है। अगर मैं मुस्लिम फैमिली की बात करूँ तो हर घर में मतभेद होते हैं, बातचीत प्लस माइनस रहती है लोगों की, लेकिन रमज़ान के महीने में सारे भाई सारी बहनें एक जगह इकट्ठा होके अपने घर परिवार के साथ रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो मोहम्मद अली रोड है, ये हिंदुस्तान की एक निशानी है, जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान एक परिवार है, जहाँ पे हर किस्म हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बुद्ध सिख सारे कम्युनिटी के लोग। रमज़ान उन सबको यूनाइट करता है और मोहम्मद अली रोड बुलाता है, लेकर आते हैं सब लोग अपनी फैमिली के साथ और रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा है खाना एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस चिकन बर्रा। तो चिकन बर्रा मुझे थोड़ा सा रुमाली रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। क्रिस्पी है, स्वीट और सार इसका क्रीम है, वेरी नाइस। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट वर्ड्स कि ये कितना बेहतरीन है, जब तक आप आके यहाँ पे खाओगे नहीं। और ये है मटन चाप। चाप फ्राई I know, but it's too long. Moist, nicely grilled. आपको भरा देखा ना? मसालेदार. Too nice. सो गाइज, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने बताया है बिकॉज बहुत दिनों से मैंने टेस्टिंग नहीं किया था और माशाल्लाह मैं आई हूँ, और टेस्ट ना करूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसा हो नहीं सकता है। यह है भेजा फ्राई। सबसे अच्छा मुझे भेजा फ्राई लगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार। आज का स्पेशल जो है वो है वाइट दम बिरयानी। सो बिरयानी बेसिकली मैंने बहुत बार आपको इसका हिस्ट्री बता दिया है कि वेर इट केम फ्रॉम, वेर इट इज़ ओरिजिनेटेड, बट यहाँ का आज माशाअल्लाह का बिरयानी खाते हैं और देखते हैं इसे सच में कहने लायक है माशाअल्लाह या नहीं। सो दिस वन इज़ अ वाइट दम बिरयानी। आप
आप सिर्फ देख सकते हैं प्लेटिंग, बट आई कैन सीरियसली फील द एरोमा। और आपके लिए मैं टेस्ट करती हूँ, इसको थोड़ा सा रायता के साथ डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें, ऑप्शनल है। आई मस्ट से माशाल्लाह, दिस इज़ द ओनली वर्ड विच कैन डिस्क्राइब दिस बिरयानी, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। सो गाइस, आप रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स स्टिल मोर देन 15 डेज, डू विजिट मोहम्मद अली रोड, माशाल्लाह रेस्टोरेंट ज़रूर आए। ज़ैनब कुक हाउस को टैग करें, माशाल्लाह रेस्टोरेंट को टैग करें, और आप हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है, बिकॉज आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप साफ भी ना आओगे तो यू विल गेट अ 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिरयानी, विच इज़ रियली माइंड ब्लोइंग, बिकॉज आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे विल नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट माशाल्लाह रेस्टोरेंट। बाहर भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स बेचते हैं और बहुत ही सुपर बेचते हैं, सो उनसे भी थोड़ा बाय करें आप, और ज़रूर से टैग करें। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग या ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।